स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आप निराश भी हो सकते हैं क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया ना, जितने चेहरों पे खुशियाँ होनी चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा चेहरे उदास है। और कारण क्या है? हमेशा ही तरह HSSC की नाकामी, लेट लतीफ़ी और रिजल्ट निकालने में लापरवाही। ठीक है, तो रिजल्ट में कुछ खामियाँ थी। विपक्ष ने भी काफ़ी मुद्दे उठाए हैं इसको लेके कि रिजल्ट में ये कमी है, वो कमी है, तो वो बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप डी रिजल्ट में क्या क्या कमियां रही। तो सबसे पहले पाँच नंबर का, जब से ये लागू हुए हैं ना, तब से इशू है, हमेशा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, HSSC के पोर्टल में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर क्लेम ही नहीं किए लेकिन उनको नंबर दे दिए गए हैं, और काफ़ी जेन्युइन कैंडिडेट है जो इसके हकदार है, एलिजिबल है, सारी कंडीशन पूरी करते हैं, लेकिन उनके लिए पांच नंबर है ही नहीं पोर्टल। कारण क्या है? सिर्फ पोर्टल। ठीक है, और देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जनरल कैटेगरी को लेके चलते हैं। मोटा मोटी पहली कट ऑफ थी 77 पे, अगली कट ऑफ थी 81 पे। ठीक है, मान के चलो, देखो 77 से 81 के बीच में कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास पांच नंबर नहीं है। ठीक है, मान के चलो फॉर एग्जांपल 80 नंबर है किसी कैंडिडेट के, उसके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। लिस्ट में नाम नहीं आया तो आगे चल के मान कर चलो कोर्ट पांच नंबर को कैंसिल ही कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर देती है। ठीक है, तो क्या इसको नौकरी मिलेगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इसको सरकार नौकरी दे देगी, HSSC दे देगी? और इनके बीच में हर कैटेगरी के कितने बच्चे होंगे? क्या HSSC ने इतनी सीटें खाली छोड़ी है? तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। क्या होता है इस पर कुछ नहीं कह सकते, ऐसा पहली बार हुआ है कि दो दो कट ऑफ लगी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फैसला आता कोर्ट का, और आपकी क्या राय इसको लेके। HSSC ने लगभग 2,500 सीटें खाली छोड़ी है, क्या मतलब ये जो चार नंबर का गैप है इसके बीच में 2,500 ही बच्चे हैं? ठीक है, तो आप अपनी राय ज़रूर बताना इस पर। सेकंड कमी क्या जो मुझे लगी? यस नो। ठीक है, यस नो यानी किसी कैंडिडेट को ग्रुप डी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, इसको लेके उसकी कोई राय नहीं मांगी गई, कोई यस नो का पोर्टल नहीं खोला गया, जैसे वादा किया था पहले HSSC ने कि यस नो पोर्टल खोला जाएगा, तो कोई च्वाइस ही नहीं मांगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं चंडीगढ़ पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, ALM में, तो वो बच्चे रिपीट थे, वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन उनका नाम लिस्ट में दे दिया, सिर्फ सीटें ख़राब हो गई है। तो ये कमी जो मुझे लगी। सेकंड बात है रिपीट की। देखो रिपीट का क्या है, ग्रुप 56-57 का आपको पता है, ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी हाई गई है कि मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही जेन्युइन कैंडिडेट है थे जो कट ऑफ को पार करके गए। इतने नंबर लेने वाला कैंडिडेट ये मेहनती होगा तभी उसका नाम आया, और इतना मेहनती कैंडिडेट ग्रुप 56-57 की कोई भी पोस्ट आराम से ले सकता है। ठीक है, ALM की या ग्रुप सी की अदर पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट थी या कोई और कॉमर्स वाला ग्रुप है, उसमें से भी काफ़ी बच्चे ऐसे जो रिपीट हुए हैं। तो एक सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जल्दबाजी की, और मतलब एक सिर्फ नंबर दिखाने के लिए कि हमने देखो इतनी भर्ती कर दी, लेकिन इसमें से 10,000 में से मुश्किल से 4,000-5,000 ही ऐसे होंगे जो जेन्युइनली लगना चाहते थे ग्रुप डी में और वो लग गए। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते या इसको बाद में छोड़ेंगे, शिफ्ट होंगे। कारण यही है कि ग्रुप सी की भर्ती पहले होती ना तो लिस्ट इतनी ऊपर नहीं जाती। ठीक है, और न्यू वैकेंसी उनके बारे में देखो, सरकार के लिए ये वो है, देखो ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होता है, तो सरकार अगर इसी सीटी पे और वैकेंसी निकालती है ना तो उसको एग्ज़ाम भी नहीं लेना, कट ऑफ को थोड़ा डाउन किया और नई लिस्ट बनाई और जॉब दे दी, ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है, तो काफ़ी चर्चा है कि सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि सरकार के लिए बेनिफिट है।
डायरेक्ट लिस्ट लगानी है कट ऑफ पर डाउन करके, ठीक है। और जैसे लोकसभा ख़त्म होते हैं उसके बाद भी काफ़ी चर्चा है नए सीट में, लगभग ग्रुप डी एंड सीट की 70,000 वैकेंसी, मतलब चर्चा बनी हुई है कि 70,000 वैकेंसी आ सकती है, 70 नहीं 40, 50, 30 कुछ तो आए। तो देखो ये जो से 4-5 महीने है ना काफ़ी क्रूशियल है, आप यहाँ तक पहुँच गए ना। देखो क्या मानना मेरा, 77 नंबर वाला कैंडिडेट लिस्ट में आ गया, अगर कोई 76 वाला है क्या इसकी तैयारी कम है? इसकी तैयारी इससे ज़्यादा हो सकती है, वो तो देखो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। कई बार दो कैंडिडेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने करंट अफेयर पढ़ा, इसने पढ़ा, हो सकता है इसने जो पढ़ा उस एग्ज़ाम में उसमें से आ गया हो, पढ़ा तो ये भी है। तो देखो ये मेरा ये मानना है कि ये बराबर के कैंडिडेट है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो मेरी राय ये है इन कैंडिडेट को कि अपनी तैयारी ना छोड़े, 4-5 महीने तो कम से कम, जब तक आपने इतना सफ़र कर लिया ना, इतना स्ट्रगल किया है, वो बेकार ना जाए, ठीक है। 4-5 महीने क्रूशियल है, उसके बाद नहीं बोलूँगा मैं आपको कि आगे भी चलो आप, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार ने इस समय भी वैकेंसी नहीं निकाली ना तो फिर कभी नहीं आएगी हरियाणा में, ठीक है। मेडिकल अपॉइंटमेंट, जो बच्चे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए उनके कमेंट आ रहे थे सर मेडिकल में इशू आएगा, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं, ईसीजी वगैरह, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सिंपल होता है कोई, जब तक मेजर प्रॉब्लम नहीं है ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा सा इशू रहता है, ज़्यादा नहीं। अपॉइंटमेंट देखो, एक तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया जल्दी में वहाँ जाते हैं ये सोचते हैं आज का लास्ट दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम मिलता है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं। मेडिकल में 2-2, 3-3 दिन लग जाते, कई बार डॉक्टर होते नहीं, होते तो स्टाफ कम होता है, कई बार कोई ENT का डॉक्टर मान लो जींद में नहीं बैठता तो आपको कैथल जाना पड़ सकता है, तो ये कोई वो नहीं है, ठीक है। आराम से कराओ, काफ़ी टाइम आपके पास। और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी देखो, तैयारी करो, जो कैंडिडेट एलिजिबल है फिजिकल वगैरह कर सकते हैं आराम से, तो बढ़िया सी तैयारी करो। और इससे जुड़ी कोई भी वो है तो हमारे चैनल पे वीडियो आती रहेगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, 5 नंबर मतलब आप कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको मिलने नहीं चाहिए, उसको मिल गए तो ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।